गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन में एमीन समूह का अध्ययन करेंगे और एमीन समूह में आज हम एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे। और इससे पहले कल एक अभिक्रिया छूट गया था, एसिटिक एनहाइड्राइड। अभिक्रिया देखेंगे तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया एथिल एमीन से देखेंगे हम, जिसमें हमें ये इस तरह से इसे तोड़ सकते हैं, ये है एथिल एमीन और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इस अभिक्रिया में एसिटिक एसिड बनता है। और साथ ही हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ CH3CO और EH मिलके एसिटिक अम्ल बना रहे हैं। ध्यान चाहूँगी बच्चों, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड और यह है एथिलेमीन, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है इस CH3COO से क्रिया करके एच इसमें जुड़ जाएगा और ये क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। क्या आया समझ में? अब यहाँ देखिए CH3CO और NH C2H5 है ना, ये CH3CO को पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद इस NH को लिखा, फिर इस एथिल समूह को लिखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसिटामाइड। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिलेमीन का सूत्र क्या है, C2H5NH2 है ना, इसे हम कहाँ बनाएंगे, प्रयोगशाला में बनाएंगे। तो प्रयोगशाला में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। जब हम इसे प्रयोगशाला में बनाएंगे तो हमें कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी है ना, तो उपकरण किस तरह से होगा वो देखिएगा चित्र के माध्यम से। सबसे पहले हम स्टैंड लेंगे और एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेंगे। क्या लेंगे, स्टैंड है ना और गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेंगे। इसको राउंड बॉटल फ्लास्क कहा जाता है, ये हम राउंड बॉटल फ्लास्क ले रहे हैं
और जल ऊष्मक, जल ऊष्मक किसको कहते हैं? एक पात्र होता है, उस पात्र में हम पानी रखेंगे और पानी के ऊपर हम जो राउंड वाटर फ्लास्क लिए हैं उसको रखेंगे, तो उसे हम जल ऊष्मक कहेंगे। ठीक है, हाँ। अब है, हम इसे स्टैंड में कस देंगे। कस दीजिए स्टैंड में इस तरह से, ये अपने स्टैंड में इसको कस दिया। उसके पश्चात यहाँ हम बर्नर लगा देंगे। ये हमने यहाँ बर्नर लगा दिया। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ एक समकोण मुड़ी हुई नली लगा देंगे और एक थीसील कीप लगा देंगे। ये हमने थीसील कीप लगाया और एक समकोण मुड़ी हुई नली लगाया। अब चित्र बना रहे हैं आप लोग, अब देखिएगा यहाँ एक पात्र रख देंगे, इस तरह से इसका उपकरण है। अब यहाँ हम क्या डालेंगे, कैसे मिलाएंगे, वो आपको बता रहे हैं विधि। तो विधि में हम देखते हैं हमें एथिलेमिन बनाना है, तो हम सबसे पहले लेंगे एथिल प्रोपियोनामाइड। ये क्या है? एथिल प्रोपियोनामाइड, साथ ही ब्रोमीन लेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। इतनी चीज लेंगे बच्चों, है ना? क्या क्या लिया? एथिल प्रोपियोनामाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और इकट्ठे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे उसको देखिएगा। सबसे पहले ये उपकरण है, उपकरण को हमने फिट कर दिया, और इस उपकरण में हमने क्या डाला? एथिल प्रोपियोनामाइड डाला और साथ में ब्रोमीन डालकर इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, है ना? ये एथिल प्रोपियोनामाइड और ब्रोमीन को डाल के धीरे धीरे हमने क्या किया, मिक्स किया इसको। उसके बाद ये जो थीसील कीप है, यहाँ से बूंद बूंद करके KOH मिलाएंगे, है ना? तो ये KOH को हम तब तक मिलाएंगे, कब तक मिलाएंगे? तब तक मिलाएंगे जब तक कि इस मिश्रण का रंग पीला ना हो जाए, है ना? धीरे धीरे। अब कितनी मात्रा में क्या डालेंगे वो देखिएगा। जो प्रोपियोनामाइड आप इसमें मिला रहे हैं 20 ml लेंगे, है ना? और 18 ml ब्रोमीन लेंगे। उसके पश्चात 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाएंगे और इस थीसील कीप से बूंद बूंद करके डालेंगे। बूंद बूंद करके डालने पर हम इसे तब तक डालेंगे जब तक कि पीला रंग हमको प्राप्त ना हो जाए। उसके पश्चात हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे और ताप लेंगे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस उपकरण में हम ये जो एथिल प्रोपियोनामाइड, ब्रोमीन जो डाले हैं और साथ ही इसमें क्या मिला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक तब तक गर्म करेंगे जब तक कि जो पीला रंग है वो समाप्त ना हो जाए, है ना?
तो जो पीला रंग है वो किसका है? ब्रोमो, हिंदी में लिखते हैं ब्रोमो प्रोपियोनामाइड। ये हमें पीले रंग का द्रव प्राप्त हुआ है ना। अब देखिए ये जो पीले रंग का द्रव हमें मिला है इसे हम तब तक गर्म करेंगे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक कि पीला रंग समाप्त ना हो जाए। तो पीला रंग समाप्त करने के लिए इसमें हम 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 50 ml लेंगे। ये जितनी मात्रा मैं ले रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान देंगे, 50 ml लेंगे। कितना लिए? 50 ml मात्रा लिए हम, तो हमें प्राप्त होता है एथिल प्रोपियोनामाइड। एथिलेमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिलेमीन हमें प्राप्त हुआ है। और हमें कैसा एथिलेमीन प्राप्त हुआ है? जो एथिलेमीन प्राप्त हुआ है उसमें ये जो हमने गर्म किया है तो वाष्प के रूप में प्राप्त हुआ है। किस रूप में? वाष्प रूप में प्राप्त हुआ है। तो वाष्प रूप में जो एथिलेमीन हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और डाइल्यूट HCl मिलाने पर, डाइल्यूट HCl हमने मिलाया तो हम ये देखते हैं कि हमें C2H5NH2 × HCl है ना, अर्थात एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है। और ये जो एथिलेमीन हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण हमको प्राप्त हुआ है उसमें उसे हम जल उष्मक में गर्म करेंगे। किसमें? जल उष्मक में गर्म करेंगे। और जब हम जल उष्मक में गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको ठोस एथिल एमीन प्राप्त होता है। और जो ठोस एथिल एमीन हमको प्राप्त हुआ है उसे हम क्षार से आश्रित करेंगे। किससे आश्रित करेंगे? क्षार से आश्रित करेंगे तो हमें 100% शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त होगा। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है बच्चों, फिर से इसको देखेंगे। जो आपने विधि है, आपके पिता में जो विधि दिया है उसे मैं इस तरह से समीकरण के रूप में आपको बता रही हूँ, है ना, शायद आपको समझ आ जाए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो अभिक्रिया होती होगी कैसे होती होगी उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ कैसे क्या बनता है? सबसे पहले तो बनता है एथिलेमीन, है ना, ये देखिए एथिलेमीन बना। उसके पश्चात हमें K2CO3 प्राप्त होता है। इसी तरह से दो अणु KBr का प्राप्त होता है, दो अणु पानी का प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये है एथिलेमीन। अब यहां पर देखिएगा पूरी विधि को एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से समझें। हम क्या बना रहे हैं? एथिलेमीन, जिसका सूत्र क्या है? C2H5NH2। प्रयोगशाला विधि में हम उपकरण ले रहे हैं, एक राउंड बॉटल फ्लास्क या गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं और उसको किस में रखते हैं? जल उष्मक में रखते हैं। बर्नर की सहायता से उसको हम गर्म करेंगे, पर उसके पहले हम क्या मिलाएंगे? क्या मिलाएं?
हम मिलाए हैं एथिल प्रोपियोनामाइड और साथ ही ब्रोमीन, दोनों को मिला करके हम इसे गर्म करने लगते हैं। और ये जो थिसिल कीप है ना, इस थिसिल कीप की सहायता से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके इसमें मिलाएंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बूंद बूंद जब इसमें गिरते जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, हमें पीला रंग प्राप्त होगा। तो तब तक हम थिसिल कीप की सहायता से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाएंगे जब तक कि हमको पीला रंग अच्छे से प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ देखिएगा, हमने मात्रा लिखा है प्रोपियोनामाइड 20 ml लेते हैं, है ना, और जो ब्रोमीन है उसको कितना लेते हैं, 18 ml लेते हैं, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका 10% विलयन बनाते हैं। 10% का मतलब यह है कि आपने 10 ml क्या लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो 90 ml पानी मिलाएंगे तब वो 10% बनेगा, ठीक है। वो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने के बाद हमने गर्म किया तो जो पीला रंग हमको प्राप्त हुआ, पीला रंग किस चीज़ का था, द्रव प्राप्त हुआ पीले रंग का, वो था ब्रोमो प्रोपियोनामाइड, है ना। और जो द्रव हमको पीले रंग का प्राप्त हुआ है उसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, और अब हम मिलाएंगे 50% KOH, ठीक है, 50% KOH का 50 ml, मतलब KOH जितनी मात्रा में डालेंगे उतनी मात्रा में पानी मिलाएंगे, तो ये 50% हुआ। और 50 ml उसका कहाँ मिलाएंगे, यहाँ जो पीले रंग का द्रव है उसमें मिलाएंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक कि पीला रंग समाप्त ना हो जाए। और जब पीला रंग आपका समाप्त हो गया तो उसको आप 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे, ठीक है। 60 से 70 सेल्सियस ताप तक आपने गर्म किया तो हम आपको क्या प्राप्त हुआ, एथिलेमिन का वाष्प प्राप्त हो गया। यहाँ वाष्प बनने लगेगा, है ना, एथिलेमिन का वाष्प बन के इस नली से जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ जा रहा है, और ये दूसरे बर्तन में हम क्या लिए हैं, तनु HCl लिए हैं। दूसरे बर्तन में हमने लिया है तनु HCl लिया है, और ये तनु HCl और जो एथिलेमिन है दोनों को हमने मिलाया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तनु HCl हमने मिलाया और हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिलेमिन हाइड्रोक्लोराइड, है ना, एथिलेमिन हाइड्रोक्लोराइड हमको प्राप्त हुआ विलयन के रूप में। किस रूप में, विलयन के रूप में प्राप्त हुआ, और इस विलयन को हम जल ऊष्मक में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, जल ऊष्मक में रखते हैं। तो जल ऊष्मक में रखने पर ये द्रव था वो हमें गर्म करते हैं जल ऊष्मक में रख के, तो हमको ठोस एथिलेमिन प्राप्त होता है। पर ये जो ठोस एथिलेमिन हमें प्राप्त हुआ है इसमें भी हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध करने के लिए फिर से हम इसमें क्षार मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, और क्षार मिला के आश्वित करेंगे। तो आश्वन क्या चीज़ होता है जानते हैं ना आप लोग, पिछले पीरियड मैंने बताया था, एक बार फिर आपको बता देती हूँ। आसवन ये होता है कि किसी विलयन को इतना गर्म करते हम कि उसका वाष्प बन जाए। क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, फिर उसको हम जल संघनित्र या जल उष्मक, मतलब नीचे ऐसा ऐसे बर्तन में वाष्प को जमा करते हैं, जैसे वाष्प आ रहा है इधर से, है ना, वाष्प के रूप में आ रहा है, तो ऐसे बर्तन में हम उसको जमा करते हैं जहाँ की, जैसे वो बर्तन तो आपका खाली रहेगा लेकिन उसके नीचे पानी भरा रहेगा, ठीक है, पानी भरा रहेगा, तो वाष्प यहाँ आएगा तो पानी के कारण ठंडा होगा, है ना, तो इसको आश्वित करना कहते हैं। वाष्प को फिर से द्रव रूप में परिवर्तित करना, मतलब आश्वित करना। तो इस तरह से हम क्षार से आश्वित करेंगे तो हमको, हम देखते हैं कि 100% शुद्ध एथिलेमिन प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसको फिर से देखिएगा बच्चों, ये क्या है, एथिल प्रोपियोनामाइड है, ये ब्रोमीन है, और चार अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसकी जब आपने अभिक्रिया करवाई तो आप देखिए ये एथिलेमिन प्राप्त हुआ आपको, है ना, इसी तरह से ये चार अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो चार अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से दो अणु K2 लिया, और ये हमारे पास CO है, और यहाँ पर चार अणु में से हमने दो अणु ऑक्सीजन लिया, तो ये हमको K2CO3 प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये दो पोटेशियम यहाँ बचा हुआ था उसे हमने लिया, और दो ब्रोमीन मिलके क्या बनाए, 2 KBr बनाए। अब इसके बाद हमारे पास ये दो अणु पानी का बचा हुआ है, और यहाँ पे दो अणु हाइड्रोक्साइड का बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ इसको मैं अलग से लिख रही हूँ, H2 और दो अणु OH, तो ये दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार हुआ, और दो ऑक्सीजन, तो ये पानी बना, है ना। तो इस तरह से ये अभिक्रिया
पूरी हुई, जिसमें हमने प्रयोगशाला विधि में क्या मिला, क्या बनाया, एथिलेमिन बनाया। इस अभिक्रिया से हमने क्या प्राप्त किया, एथिलेमिन प्राप्त किया। पर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी हमने लिया है ये 20 ml लेना है, इसको 18 ml लेना है, और विलयन एक बार 10% KOH बनाना है, और दूसरी बार कितना 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है, और टेम्परेचर भी 60 और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ हम तनु HCl के को द्रव रूप में, यहाँ तनु मतलब डाइल्यूट HCl यहाँ पे उपयोग में लाते हैं, तब ये जो वाष्प है इस तनु HCl में मिलके क्या बना लेता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, जिसको फिर से आप आश्रित करते हैं, तब आपको क्या प्राप्त होता है, ये एथिलेमिन प्राप्त होता है। तो एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और परीक्षा में सीजी बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, तो 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वो भी किस तरह से विभाजित रहता है, मैं ध्यान चाहूंगी आप लोगों का, 3 नंबर का चित्र रहेगा आपका, है ना। और चित्र में भी ऐसा नहीं कि आपने इसका खाका बना दिया और कुछ नहीं लिखा, ऐसा नहीं, आप ये चित्र को बनाएंगे उपकरणों को, फिर इसमें क्या मिलाते हैं उसको आप लिखेंगे, नामांकित करेंगे, तो नामांकित चित्र के 3 अंक रहते हैं, और ये जो समीकरण रहता है, समीकरण आपका 1 नंबर का रहता है, ये भी संतुलित होना चाहिए। आपने यहाँ पे जो अभिकर्मक लिया है उसका भी नाम आपको लिखना है, उत्पाद बन रहा है उसका भी नाम आपको सही सही लिखना है, और विधि का 2 नंबर रहता है। तो यदि 6 नंबर का प्रश्न आएगा तो इस तरह से रहेगा, और 5 नंबर का आएगा तो 3 नंबर का चित्र है, 1 नंबर का समीकरण है, और 1 नंबर का विधि है। तो आप पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है। और विधि को मैंने समीकरण के रूप में इस तरह से इसलिए बताया, विधि बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने समीकरण की तरह बताया ताकि आप इसे ना भूलें। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की बात आती है तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि समीकरण को लिखना जरूरी है, यदि आप कहानी लिख देते हैं समीकरण नहीं लिखते तो कार्बनिक रसायन का कोई महत्व नहीं है, है ना। तो समीकरण को अच्छे से याद कीजिए, यौगिकों के सूत्र याद कीजिए, और इस विधि को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अब हम देखेंगे बच्चों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद। ये जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सीजी बोर्ड में। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसको कैसे हल करना है देखिएगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, सबसे पहले क्रमांक लिखते हैं, फिर है परीक्षण, क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से ही हम जानते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या अंतर है ना, विभेद मतलब अंतर। तो ये परीक्षण हुआ, उसके बाद है प्राथमिक एमीन, फिर देखते हैं द्वितीयक एमीन, और तृतीय एमीन। अब है सिंबल भी यहां लिख सकते हैं आप चाहें तो, प्राथमिक एमीन आर एनएच टू, ये है आर टू एनएच, और
यहाँ है आर थ्री एन। तो ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हम विभेद या अंतर देखेंगे। तो विभिन्न परीक्षण आपने कल पढ़े हैं, जिसमें से पहला हम देखते हैं नाइट्रस अम्लस्य क्रिया, जिसे लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण भी कहा जाता है। तो लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण में किसके साथ क्रिया होती है? नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके जो प्राथमिक एमीन है वो बनाता है एथिल एल्कोहल। क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। ये कौन? लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण में किसकी अभिक्रिया होती है? नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होती है। यदि नाइट्रस अम्ल प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल बनाता है, अर्थात लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण देता है। यह ऐसा लिखेंगे आप। अब है द्वितीयक एमीन, जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोसामीन बनाता है। क्या बनता है? नाइट्रोसामीन बनता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? द्वितीयक एमीन से, है ना। तो नाइट्रोसामीन बनता है, अर्थात ये भी लीवर में, अर्थात द्वितीय केमिन भी लीवर में नाइट्रोसो परीक्षण देता है। इसमें जो पदार्थ बना है वो हरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। किसमें? द्वितीय केमिन में। अब देखते हैं जो तृतीय केमिन है वो जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये भी नाइट्रोसामीन ही देता है। इसमें भी नाइट्रोसामीन बनता है, जो कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, अर्थात ये भी ये परीक्षण देता है। तो ये पहला परीक्षण है बच्चों, लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है, प्राथमिक एमीन देता है एल्कोहल, अर्थात लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण ये देता है। इसमें बनता है नाइट्रोसामीन, अर्थात ये भी लीबर में नाइट्रोसो परीक्षण देता है। और जो पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है वो हरे रंग का होता है, है ना। और इसमें नाइट्रोसामीन बनता है जो रंगहीन होता है। तो द्वितीयक और तृतीयक को कैसे पहचानोगे? दोनों में नाइट्रोसामीन बनता है, यदि हरा रंग आता है तो द्वितीयक एमीन है, और कोई रंग नहीं आता तो तृतीय केमिन है ना। अब यह है तीनों जो है नाइट्रोसामीन परीक्षण देते हैं, केवल रंग का अंतर है इसमें, ठीक है। अब है दूसरा परीक्षण हम देखते हैं। ये लंबा चार्ट बना के पूरे को एक साथ लिखना है, मैं ब्लैक बोर्ड में मिटा मिटा के बना रही हूं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा परीक्षण है कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण में हम देखते हैं, कोई भी एमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, है ना। ये तीनों मिलके आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक
एमीन है वो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है। कैसा? दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। ठीक है, कार्बिलेमिन परीक्षण में हम देखते हैं हम कोई भी एमीन लिए और क्या लिए, क्लोरोफॉर्म लिए और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, आपस में अभिक्रिया करवाए इनकी, तो हमें दुर्गंध युक्त पदार्थ प्राप्त हुआ। उस पदार्थ का नाम है आइसोसाइनाइड और ये परीक्षण देता है ना, कौन? प्राथमिक एमीन ये परीक्षण देता है और कार्बिलेमिन परीक्षण ये नहीं देता। और यह परीक्षण तृतीय केमीन भी नहीं देता। तो ये आप जब लिखेंगे तो प्राथमिक केमीन आइसोसाइनाइड बनाता है जो क्या परीक्षण देता है, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है, कार्बिलेमिन परीक्षण देता है और द्वितीय और तृतीय केमीन ये परीक्षण नहीं देते हैं, है ना। अब है तीसरा, देखते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तीसरा परीक्षण है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक एमीन है वो एक पदार्थ बनाता है आर एन सी एस, है ना, इसका नाम है एल्किल आइसो थायोसाइनेट। तो ये जो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है इसका जो गंध होता है मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल जैसा होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक एमीन है वो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देता है और द्वितीय केमीन और तृतीय केमीन द्वितीय और तृतीय केमीन है ये मस्टर्ड ऑयल परीक्षण नहीं देते हैं अर्थात इनमें कोई क्रिया नहीं होती है और कोई गंध भी नहीं आती अर्थात ये दोनों परीक्षण नहीं देते हैं, केवल प्राथमिक एमीन है ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देते हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक परीक्षण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक परीक्षण जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है RMGX। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन बनाता है प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक परीक्षण में हम देखते हैं जो प्राथमिक एमीन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और एल्केन बनाता है, द्वितीय एमीन भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और एल्केन बनाता है और तृतीय एमीन है यह परीक्षण नहीं देता। ठीक है बच्चों,
तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में देखते हैं प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों में एल्केन बनते हैं, है ना, लेकिन तृतीयक एमीन जो है कोई परीक्षण नहीं देता। इसके अलावा हम देखते हैं एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड की जो अभिक्रिया होती है उसमें एसिड एमाइड के मोनो एल्किल डेरिवेटिव बनते हैं। अगला देखते हैं एसिडेमाइड परीक्षण। तो एसिडेमाइड परीक्षण में हम देखते हैं जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन की क्रिया होती है एसिटिल क्लोराइड से, किससे होती है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो एसिडेमाइड के मोनो एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं प्राथमिक एमीन में। और द्वितीयक एमीन में देखते हैं एसिडेमाइड के डाई एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं। और जो तृतीयक एमीन होता है ये परीक्षण नहीं देता, ठीक है, तृतीयक एमीन ये परीक्षण नहीं देता है। इसके पश्चात हम देखेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड। तो ये समझ में आया होगा आपको एसिडेमाइड परीक्षण, जिसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन से जब एसिडेमाइड अभिक्रिया करता है तो मोनो एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं, यहाँ डाई एल्किल व्युत्पन्न बनते हैं, और तृतीयक एमीन में ये परीक्षण होता ही नहीं है। इसी तरह से हम अगला परीक्षण देखते हैं जिसमें जो एल्किल हैलाइड है अभिक्रिया करता है, और इसमें भी एल्किल हैलाइड परीक्षण। तो एल्किल हैलाइड परीक्षण में एल्किल हैलाइड के तीन अणु भाग लेते हैं, कितने अणु भाग लेते हैं, तीन अणु भाग लेते हैं, और यहाँ चतुर्थक बनाते हैं, चतुर्थक अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, इसी तरह से यहाँ भी द्वितीयक एमीन में एल्किल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं, और यहाँ भी चतुर्थक अमोनियम क्लोराइड बनता है, और तृतीयक एमीन यह परीक्षण नहीं देता। तो मैं फिर से ध्यान चाहूंगी आपका, ये जो विभिन्न प्रकार के परीक्षण हम देख रहे हैं जिसमें से एल्किल हैलाइड परीक्षण है ना, तो एल्किल हैलाइड परीक्षण में देखते हैं हम प्राथमिक एमीन लेते हैं और एल्किल हैलाइड के तीन अणु लेते हैं, कितने अणु, तीन अणु लेते हैं और आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड या चतुर्थक अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया द्वितीयक एमीन से करवाते हैं तो हम ये देखते हैं दो अणु लेते हैं,
एल्किल हैलाइड के, तो हमें चतुर्थक अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और जिसको हम टेट्रा या क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और जो तृतीय केमिन होता है ये परीक्षण देता ही नहीं है ना। इसी तरह से हम अगला परीक्षण देखते हैं जिसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण। अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है किसको कहेंगे हम, है ना। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक हम कहते हैं बेंजीन थायोनिल क्लोराइड को। इसका सूत्र है ये देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है C6H5SO2Cl2, है ना, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन थायोनिल क्लोराइड जब प्राथमिक एमीन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, प्राथमिक एमीन से क्रिया करता है, तो यहाँ पर भी हमें देखते हैं कि मोनो एल्किल साइनामाइड प्राप्त होता है, मोनो एल्किल साइनामाइड। मोनोएल्किल साइनामाइड प्राप्त होता है जो KOH में विलय होता है। साइनामाइड का जो मोनोएल्किल डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, आप घोलेंगे तो पानी में घुल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं द्वितीय केमीन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो डाई एल्किल साइनामाइड देगा। डाइल की साइनामाइड हमें प्राप्त होगा जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा। क्या नहीं होगा, नहीं घुलेगा, अभिलय रहेगा। और जो तृतीय केमीन है इसकी अभिक्रिया जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक अर्थात C6H5SO2Cl2 अर्थात बेंजीन थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे तो तृतीय केमीन ये परीक्षण नहीं देता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं देता होगा तृतीय केमीन ये परीक्षण, तो इसलिए क्योंकि इसमें जो तृतीय केमीन है उसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता। परीक्षण क्यों नहीं देता, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, यहाँ सूत्र में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, कितने हैं, दो हैं, तो और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिए कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें नहीं है, है ना। तो जितने भी तृतीय केमीन है वो जब परीक्षण नहीं देते हैं तो परीक्षण नहीं देने का कारण ये है कि तृतीय केमीन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। अब ये मैंने कितनी अभिक्रिया लिखी, कितना परीक्षण लिखा, 6 परीक्षण लिखा मैंने, है ना, अभी अंतर में, और इतना करके आप छोड़ देंगे तो आपको 6 नंबर का है तो जो मार्क्स मिलेंगे कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे इतना लिखेंगे आप। तो अब आप कहेंगे कि 3 मार्क्स कहाँ गए, तो इसको अब इतना लिखने के बाद इस तरह से आप बंद कर देंगे बच्चों, है ना, और नीचे आप जितने परीक्षण है ना उनको फिर से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा था आपने, लिबर में नाइट्रोसो अभिक्रिया लिखा था, है ना, तो उसमें जो जो यौगिक बने हैं ना उसके पूरे रिएक्शन लिखते हैं, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया जो बना है रिएक्शन लिखिए, और द्वितीय केमीन से उसकी भी अभिक्रिया लिखिए, तृतीय केमीन नहीं बन रहा है तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवा के एरो करके कोई अभिक्रिया नहीं या नो रिएक्शन लिख दीजिए। उसी तरह से मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया लिखते हैं तो वहाँ जो प्राथमिक एमीन है परीक्षण देता है तो क्या बनता है अभिक्रिया लिखिए, और द्वितीयक तृतीयक में भी द्वितीयक
तृतीय किमी से अभिक्रिया करवाइए, एरो करके क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं देता। इस तरह से फिर से छियों के अभिक्रिया आपको लिखने होंगे, तब आपको छः में छः नंबर मिलेंगे। और सीजी बोर्ड में छः नंबर के ये प्रश्न आते हैं, आपको ये परीक्षण लिखना ही है, साथ ही अभिक्रिया को भी लिखनी है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के अभिक्रिया को लिखनी है, तब आप पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से छः अंक के प्रश्न आते हैं बच्चों, ये जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिन में विभेद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। और मैंने ये जो अभिक्रियाएं हैं उनको फिर से नहीं लिखा, आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि लिखना है तो फिर आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, सारी अभिक्रियाएं कल मैंने बताई है पिछले पीरियड में, तो इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा ये अंतर। उसके बाद घर जाके पूरे जो अभिक्रियाएं हैं उनको लिख के जब लिखेंगे तभी ये उत्तर जो है आपका कंप्लीट होगा 6 अंक का, है ना। तो इस तरह से हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा की। सबसे पहला तो था एथिलीमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो 5 अंक का प्रश्न आता है, और अगला है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिन विभेद, जो 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो दोनों टॉपिक जो हैं, दोनों बिंदु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आप अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।